अब मैंने यहां लिखा x डिवाइड बाय y, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 3.8, 19 डिवाइड बाय 5 मतलब 3.8। जबकि अगर मैं लिखूं ऐसे x बैक स्लैश y, तो ये इंटीजर डिवीजन है, इसका आंसर क्या आएगा, 3। लास्ट चीज यही अपन ने कल डिस्कस करी थी, मैंने यहाँ पे z नाम के वेरिएबल में x अपॉन y कर दिया और z को प्रिंट करवाया, तो x अपॉन y का रिजल्ट 3.8 है, लेकिन z इंटीजर टाइप का है इसलिए z में क्या साइन होगा, 4। जबकि अगर मैं ये वाला डिवाइड यूज करता हूँ इंटीजर डिवीजन वाला, तो z में क्या स्टोर होगा, 3। तो अगर आपको इंटीजर डिवीजन करना है तो ये ऑपरेटर यूज में आएगा, अगर आपको नॉर्मल डिवीजन करना है तो ये ऑपरेटर यूज में आएगा। अगर मैं z1 को डबल टाइप का ले लेता हूँ और फिर मैं x अपॉन y करता हूँ, तो x अपॉन y का रिजल्ट 3.8 है, तो अब z1 में 3.8 ही असाइन होगा, क्योंकि z1 का टाइप क्या है, डबल, और डबल में तो 3.8 असाइन हो सकता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना 5, ये ऑपरेटर यूज किया मैंने 3। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 की पावर 3 मतलब 125, तो 5 raised to the power 3 मतलब 125। नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, जब भी अपन लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट यूज करने पे नंबर क्या हो जाता है, डबल। तो 2 को मैंने 4 बार लेफ्ट शिफ्ट किया, तो पहली बार शिफ्ट किया तो 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, तो इसका आंसर आएगा 32, क्योंकि मैंने 4 बार शिफ्ट किया है। तो जितनी भी बार अपन शिफ्ट करेंगे उतनी बार नंबर क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। तो 2 को 4 टाइम्स शिफ्ट किया, पहली बार शिफ्ट किया 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर 20 को 2 बार राइट शिफ्ट किया, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट यूज करने पे नंबर हाफ हो जाता है, तो 2 बार राइट शिफ्ट किया तो 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5। नेगेटिव नंबर की बात करें तो -2 को 4 बार शिफ्ट करेंगे तो -32 हो जाएगा, -2 को पहली बार शिफ्ट करेंगे तो -4, फिर -8, -16 और -32। और नेगेटिव नंबर है -20 को 2 बार राइट शिफ्ट करेंगे तो पहली बार -10 और दूसरी बार -5। तो हर लेफ्ट शिफ्ट के साथ में नंबर डबल हो जाता है और हर राइट शिफ्ट के साथ में नंबर हाफ हो जाता है। Z1 equal to 3, Z1 left shift equal to 2, ये है bitwise assignment operator। तो Z1 की value को 2 बार right left shift करेगा और वापस Z1 में assign कर देगा। तो Z1 की value है 3, 3 को पहली बार shift करेंगे 6, दूसरी बार shift करेंगे 12, तो इसका answer आएगा 12। अब Z1 में 12 हो चुका है, फिर मैंने Z1 में 40 assign किया, Z1 right shift equal to, ये भी compound assignment operator है, राइट शिफ्ट इक्वल टू, तो Z1 में जो भी है उसको 2 बार राइट शिफ्ट करेगा और वापस Z1 में असाइन कर देगा। तो 40 को 2 बार राइट शिफ्ट करने पे पहली बार 20, दूसरी बार 10, तो इसका आंसर आएगा 10। मैं लिखूं Z1 राइट शिफ्ट इक्वल टू 2, ये किसके बराबर है, Z1 इक्वल टू Z1 राइट शिफ्ट बाय 2 के बराबर। तो ये जैसे प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, वैसे ही राइट शिफ्ट इक्वल टू और लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू होते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैंने Z1 को प्रिंट करवाया, इसमें 10 है, अभी Z1 इक्वल टू 20 मॉड 3, मॉड काम में आता है यहाँ रिमाइंडर के लिए, तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो मॉड, जब भी आपको vb.net में रिमाइंडर चाहिए तो मॉड ऑपरेटर यूज में आता है, उसके लिए आपको mod लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर एंड और एक्सोर और नॉट, ये वही है जो आपने C++ C में पढ़े हुए हैं सभी। नहीं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया एक इम्पोर्ट सिस्टम किया, जिससे मुझे बार बार सिस्टम नहीं लिखना पड़े, मॉड्यूल M7, इसके अंदर मेन बनाया। अब जैसे C में आप CLR SCR यूज करते हो, वैसे यहाँ पे होता है कॉन्सोल क्लास का क्लियर मेथड, वो जो कमांड विंडो आती है उसमें जो भी आ रहा है उसको क्लियर कर देगा, तो console.clear।
फिर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया dim d as integer equal to 10, a as integer equal to minus 50, e as integer, e equal to minus d, d में क्या है 10, तो e equal to minus d लिखा तो अब e में क्या आ जाएगा minus 10. अगर मैं लिखूं e equal to minus a, तो a में minus 50 है, a में क्या है minus 50, तो minus of minus 50 तो ये क्या बन जाएगा प्लस 50. अब मैं यहां पे ई को प्रिंट कराऊंगा तो ये होता है यूनरी नेगेशन ऑपरेटर. जिसके भी पहले मैंने लगा दिया उसमें जो ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू का जो साइन था वो रिवर्स हो जाएगा. तो 10 की जगह माइनस 10 हो गया और माइनस 50 की जगह प्लस 50. K1 as integer equal to 10, K2 as integer equal to minus 5, not of K1. ये क्या है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है. ये क्या करता है, जो भी अपन नंबर का बाइनरी निकालते हैं, बाइनरी में जहां पे वन होता है उसकी जगह जीरो कर देता है, जहां पे जीरो होता है उसकी जगह वन कर देता है. तो अगर अपन नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं नेगेटिव नंबर के साथ में तो आंसर पॉजिटिव में आता है, और अगर पॉजिटिव के साथ में यूज करते हैं तो नेगेटिव में आता है. इसको समझने के लिए अपन नंबर स्केल से समझें. ये नंबर स्केल जीरो, इसके बाद 1, 2, माइनस में 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5. पॉजिटिव में देखें तो 1, 2, 3, 4. तो पॉजिटिव नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेगेटिव नंबर्स माइनस 1 से शुरू होते हैं. तो नॉट ऑफ K1 अपन इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं. K1 में क्या है 10. 10 पॉजिटिव नंबर में कौन से सीक्वेंस में, जीरो से स्टार्ट करें तो 10 पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस में 11th नंबर पे है. तो नॉट ऑफ K1 से क्या होगा, ये नेगेटिव में 11th नंबर पे चला जाएगा. नेगेटिव में 11th नंबर मतलब माइनस 11 इसका आंसर. ऐसे ही अगर मैं नॉट ऑफ K2 लिखूं तो K2 में माइनस 5 है, माइनस 5 नेगेटिव नंबर्स की सीक्वेंस में 5th नंबर पे है. अब यही अगर पॉजिटिव नंबर में जाएगा तो 5th नंबर पे कौन सा होगा 4, क्योंकि पॉजिटिव किससे स्टार्ट होते हैं जीरो से, तो जीरो के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. तो जब नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उस केस में तो जो भी ओरिजिनल नंबर है उसमें प्लस 1 करके माइनस का साइन लगा दो, ये इसका आंसर आएगा. और जब नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो K2 में माइनस 5 है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो जो भी नंबर है उसमें माइनस का साइन हटा दो और उसमें से माइनस 1 कर दो. तो 5 के आगे से मैंने माइनस का साइन हटा के और फिर माइनस 1 कर दिया, मतलब 4. अगर नंबर 100 होता तो 100 पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस में 101 पे, तो 100 का नॉट क्या बनेगा माइनस 101. अगर नंबर होता -25 तो -25 नेगेटिव नंबर में 25th नंबर पे है. तो जब ये पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव जीरो से स्टार्ट होते हैं तो उसका आंसर आएगा +24. अगर नंबर -7 होगा तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव में +6. अगर नंबर +3 होगा तो +3 पॉजिटिव में 4th नंबर पे, तो नेगेटिव में क्या होगा माइनस का 4. एंड और नॉट. सी में आपको इसकी जगह एंड का साइन, और का साइन और जोर का साइन लगाना पड़ता है, एक्सोर का साइन, एंड और एक्सोर के साइन. यहां पे अपन डायरेक्टली एंड और एक्सोर ही लिखते हैं. तो R1 में जो भी है उसके बिट्स को R2 के बिट्स के साथ में एंड करेगा. अब एंड में होता क्या है देखें, बिट 1 0 है, बिट 2 0 है, तो उसका एंड भी 0 आएगा. बिट 1 0 है, बिट 2 1 है, तो उसका एंड 0 आएगा. बिट 1 1 है, 0 है, तो भी 0 आएगा. अब जब दोनों 1 होंगे तो एंड में आंसर क्या आता है 1 आता है, और बाकी सारे केसेस में एंड में आंसर क्या आता है 0. तो एंड के केस में दोनों बिट्स 1 होते हैं तब 1 आता है, नहीं तो 0 आता है. और में क्या होता है, जब दोनों 0 होते हैं तब तो 0 आता है, और दोनों में से कोई भी एक वन हो गया या दोनों वन हो गए तो आंसर 1 आता है. जबकि एक्सोर में क्या होता है, जब दोनों सेम होते हैं,
दोनों ऑपरेंड के बिट्स अगर जीरो जीरो हैं, सेम है तो आंसर जीरो आएगा, वन वन है तो भी जीरो आएगा। जब दोनों के बिट्स अलग अलग हैं, जीरो वन और वन जीरो, तो आंसर वन आएगा। तो एंड जब दोनों ऑपरेंड का बिट जहां जहां पे वन है दोनों जगह, जैसे मान लो ये है वन जीरो 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 और चार बार वन, ऊपर वाला ऑपरेंड, नीचे वाला ऑपरेंड है जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन। अब अगर मैं इसका एंड करता हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो इनका एंड कर रहा हूं, एंड करने पे आंसर क्या आएगा वो देखें अपन। तो इसका एंड करने पे जीरो और जीरो, ऊपर वाला बिट जीरो नीचे वाला जीरो तो जीरो, इधर भी जीरो, अब ऊपर वाला बिट जीरो नीचे वाला वन तो भी आंसर जीरो, ऊपर वाला जीरो नीचे वाला वन जीरो, फिर वन और जीरो जीरो, वन और जीरो जीरो। ये अपन क्या देख रहे हैं, इस तरह से ऊपर वाला बिट और नीचे वाला बिट, बिट वन ऊपर वाला बिट है, बिट टू नीचे वाला बिट है। अब इन दोनों जगह ऊपर वाला बिट और नीचे वाला बिट दोनों वन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन दोनों जगह। तो ये तो इसके एंड का आंसर हो गया कि एंड में ऐसा होगा। अब यही अपन देखें और में क्या होगा। अगर अपन और देखें तो और में ऊपर वाला बिट नीचे वाला बिट दोनों जीरो है, तो पहले दोनों में तो कुछ कंफ्यूजन है नहीं। फिर थर्ड नंबर पे ऊपर वाला बिट तो क्या है, जीरो, और नीचे वाला बिट क्या है, वन, इसकी बात कर रहे हैं अपन। और ऐसा ही सब में है, जीरो वन, फिर वन जीरो वन वन, और यहाँ पे तो दोनों ही वन है, तो और में क्या होगा, इन सब जगह पर वन आएगा। ये इसके और का आंसर होगा। और यही बात अपन देखें अब एक्सोर के अंदर, तो एक्सोर के केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया जहां पे दोनों डिफरेंट होते हैं वहां पे वन आता है, और जहां पे सेम है वहां जीरो। तो पहले दोनों केस में जीरो, और इधर जीरो वन का वन, फिर जीरो वन का वन, फिर वन जीरो का वन, वन जीरो का वन। अब लास्ट में दोनों जगह क्या है, सेम है, वन वन और वन वन, ऊपर वाला बिट भी वन नीचे वाला बिट भी वन, तो उस केस में आंसर आएगा जीरो। तो ये एंड और एक्सोर की वर्किंग होती है इंटरनली बिट्स में। स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर्स की अगर अपन बात करें, डिम ए एज स्ट्रिंग इक्वल टू सन, डिम बी एज स्ट्रिंग इक्वल टू शाइन, ई एज स्ट्रिंग। अब मैंने लिखा ई इक्वल टू ए एंड बी, तो एंड क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करेगा, तो ए और बी को कंबाइन करेगा, और जो भी रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी उसको ई में स्टोर कर देगा, तो ई में क्या बन जाएगा, सनशाइन। फिर मैंने डिक्लेयर किया डिम क्यू एज स्ट्रिंग इक्वल टू टेक, क्यू वन में टेक असाइन किया और क्यू टू में टो। फिर आर स्ट्रिंग ली मैंने, आर इक्वल टू क्यू एंड क्यू वन एंड क्यू टू, तो आर में क्या आ जाएगा, टिक टैक टो विदाउट एनी स्पेस, क्योंकि स्पेसेस तो है नहीं इसमें। इस ऑपरेटर का यूज करके अपन कितनी भी स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। एंड के दोनों तरफ आपको स्पेस देनी है, ध्यान रखना है। फिर अपन देखें नेक्स्ट, x एज इंटीजर इक्वल टू 20, r इक्वल टू q एंड x। अब q में तो टिक है और वो स्ट्रिंग टाइप का है, जबकि x तो इंटीजर टाइप का है, तो एंड का यूज करके अपन स्ट्रिंग के साथ में इंटीजर को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा टिक 20। जबकि अगर मैं लिखूं r इक्वल टू q प्लस x, तो प्लस का यूज करके अपन ऐसा नहीं कर सकते। q का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, x का टाइप क्या है, इंटीजर, तो अगर अपन ऐसा करेंगे तो एरर आएगा। जबकि अपन ऐसा कर सकते हैं q प्लस, प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग को तो कंबाइन कर सकते हैं अपन, तो q प्लस x को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, CSTR मतलब कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। तो x को, x में 20 है, उसको मैंने 20 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो 20 एज स्ट्रिंग हो गया। अब मैं उसको q के साथ में कंबाइन करूंगा, तो आएगा आंसर टिक 20।
दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट करने के लिए या तो आप एंड यूज करो या प्लस यूज करो, लेकिन स्ट्रिंग के साथ में जब भी आपको किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू कंबाइन करनी है तो उस केस में तो आपको एंड ही यूज करना पड़ेगा। यूजर से इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे? इंपोर्ट सिस्टम, मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल का नाम सब मेन, मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है, डिम ए एज इंटीजर, कॉन्सोल डॉट राइट एंटर एन इंटीजर। इससे तो क्या होगा, मैसेज आएगा एंटर एन इंटीजर। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए कॉन्सोल क्लास का मेथड होता है रीड लाइन। तो जो भी यूजर इनपुट देगा वो ए में आके असाइन हो जाएगा। मैंने स्क्रीन को क्लियर करा और प्रिंट करवा दिया वैल्यू ऑफ ए इज ए। तो कॉन्सोल क्लास का रीड लाइन मेथड होता है जो यूजर से इनपुट लेने के काम में आता है। ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में अगर मैंने नंबर असाइन किया है तो यह अपने आप उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके ए में असाइन कर देगा। बाय डिफॉल्ट इसका ये बिहेवियर होता है। रीड लाइन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन अपन उसको इंटीजर में डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। अपन चाहें कि डायरेक्टली असाइन नहीं हो सके तो उसके लिए भी आगे अपन सेटिंग्स कर सकते हैं कुछ, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगी। जैसा अभी अंशुल ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इंटीजर एंटर नहीं करें और कुछ एंटर कर दें तो ये एरर आएगा रन टाइम, सिस्टम डॉट इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन। अगर मैं इंटीजर के अलावा और किसी तरह की वैल्यू एंटर करूंगा तो इफ स्टेटमेंट, सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट। इसमें इफ स्टेटमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले अपन कर रहे हैं सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट। मैंने यहाँ इम्पोर्ट सिस्टम लिखा, मॉड्यूल बनाया m10 सब मेन, dim a एज इंटीजर, कॉन्सोल डॉट राइट एंटर इंटीजर, ये मैसेज आएगा। a इक्वल टू कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, ये यूजर से इनपुट लेके a में असाइन करेगा। अब मुझे चेक करना है कि a ऑड है या इवन है। इफ a मॉड 2 इक्वल टू 0 देन कॉन्सोल डॉट राइट लाइन इवन इंटीजर, ये मैसेज प्रिंट होगा। और अदरवाइज एल्स, मतलब अदरवाइज का मतलब एल्स, एल्स इसी लाइन में मैंने लिखा हुआ है एल्स कॉन्सोल डॉट राइट लाइन ऑड इंटीजर। तो इफ कंडीशन देन क्या करना है, एल्स क्या करना है। तो ये सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट है। इफ के बाद कंडीशन, देन के बाद क्या करना है, ट्रू पार्ट है तो, और एल्स के बाद फॉल्स पार्ट में क्या करना है। एक तो मुझे इफ में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हो तो वो कैसे लिखेंगे, और दूसरा नए ऑपरेटर होते हैं vv.net में एंड ऑल्सो और एल्स। तो सबसे पहले मैंने मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर ए नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट लिया। अब मैंने चेक किया इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो ए मॉड 3 इक्वल टू 0, तो मतलब ए जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ऐसा नंबर कौन सा होता है, 6, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 12, वो भी 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 18, वो भी 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। तब तो मैसेज आएगा डिविजिबल बोथ बाय 2 एंड 3। एल्सिफ, अब यहाँ पे एल्सिफ लिखते हैं, एल्सिफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0 और एल्स ए मॉड 3 इक्वल टू 0, मतलब दोनों में से किसी एक से डिवाइड होता हो, ऐसा नंबर होता है 4, ये सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है, या 9 जो सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है। और तब तो मैसेज आएगा डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय बोथ, मतलब किसी एक से डिवाइड हो रहा हो तो। और अगर ऐसा नहीं है, नंबर मान लो दिया 5, तो 5 न तो 2 से डिवाइड होता है न 3 से डिवाइड होता है, तो मैसेज आएगा नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अगर नंबर दोनों से डिवाइड होता है जब, तो डिविजिबल बोथ बाय 2 एंड 3, दोनों में से किसी एक से होता है तो डिविजिबल बाय आइदर 2 और 3, और जैसे 5 है किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये मैसेज आएगा नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब इसमें क्या होता है, इफ के बाद लास्ट में देन लगता है, इफ के बाद देन लगता है, और उसके बाद अपन कितने भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ऐसे ही एल्सिफ के बाद भी अपन कितने भी स्टेटमेंट्स
दे सकते हैं, एल्स में भी कितने भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इफ एंड किससे होता है, एंड इफ से, इफ किससे एंड होता है, एंड इफ से। अब ये एंड ऑल्सो और एल्स, ये तो एंड और से भी हो जाता है काम, तो ये नए ऑपरेटर का यूज क्या है वो अपन समझें। एंड ऑल्सो में क्या होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं होगी, तो ये फास्ट होता है एंड के कंपैरिजन में। एंड में तो दोनों कंडीशंस चेक होती हैं, दोनों ट्रू होती हैं तो इसके अंदर जाता है। एंड ऑल्सो में अगर फर्स्ट चेक होने के बाद वो फॉल्स हो गई तो सेकंड चेक करने का मतलब ही नहीं। ऐसे ही और एल्स के अंदर अगर फर्स्ट वाली ट्रू हो गई तो इसका आंसर ट्रू ही आना है, तो सेकंड वाली चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाली ट्रू हो गई तो सेकंड वाली चेक नहीं होगी, तो और एल्स जो होता है वो और के कंपैरिजन में फास्ट होता है। एंड ऑल्सो एंड के कंपैरिजन में फास्ट है, और एल्स और के कंपैरिजन में फास्ट है। एंड ऑल्सो में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने पे सेकंड चेक नहीं होती, जबकि और एल्स में फर्स्ट वाली ट्रू होने पे सेकंड चेक नहीं होती।